हम इस समय मिर्जापुर के उस भाग में हैं जो गढ़ौली धाम के नाम से जाना जाता है, और इस गढ़ौली धाम में आज 1008 के ज़्यादा कन्याओं का विवाह हुआ। अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो इस तरफ अगर पूरी आप देखेंगे तो एक बड़े पंडाल में वैदिक रीत रिवाज के साथ जो है वो पूरा शादी का एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें षोडशोपचार के साथ अलग अलग विधा से पूरे वैवाहिक कार्यक्रम के साथ यहाँ पर जो है वो शादी का आयोजन किया गया। हमारे साथ सुनील ओझा जी हैं जो पूरा गढ़ौली धाम देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो संकल्प है ये कितना बड़ा संकल्प था, कितने लोगों के साथ आप लोगों ने किया? हम लोग इधर आकर के ये संकल्प गढ़ौली धाम का था, गढ़ौली धाम के सब भाविकों भक्तों का संकल्प था, और वही सब संकल्प पूर्ण करने में जुड़े थे। अधिकारी लोग भी, श्रम विभाग के और बाकी प्रशासन के अधिकारी लोग भी इसमें जुड़े थे। तो ये संकल्प 1008 का था, हमको डर था कि ये पूरा होगा कि नहीं, मगर हम सबका धन्यवाद करेंगे कि सबने जो कोशिश की 1008 से ऊपर 33 मानी 1041 का ये संकल्प आज यह पूरा हुआ, हमारे लिए बहुत आनंद और हर्ष की घटना है। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा इसमें कि हर बिरादरी, हर जात, हर वर्ग के लोग एक पंडाल के नीचे थे, और बहुत से ऐसे थे मुस्लिम भी थे जिनकी निकाह भी की गई, उनका क्या वो पूरा था? दाम्पत्य जीवन एक कोई ज्ञाति पूछ के और समझ के नहीं आता, दाम्पत्य जीवन सबका होता है, वो अगड़ा पिछड़ा नहीं देखता, और हम चाहते हैं कि जिनको आवश्यकता है, जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां आवश्यकता है ऐसे समाज में सबको ये लाभ मिले, तो जो आवश्यकता है वो समाज को लाभ मिलेगा। तो मतलब है कि नीचे के स्तर को, जो दीनदयाल जी कहे गए हैं कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को खड़ा करना है, अगर उनका सुखी दाम्पत्य जीवन शुरू होगा तो भविष्य का समाज भी ऐसा सशक्त, ऐसा समृद्ध बनेगा। ये भाव से यहाँ किसी के लिए परहेज नहीं रखी गई, ये गढ़ौली धाम भी सबका है और महादेव तो सबका है ही है। तो साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो विवाह हुआ, जो यहाँ पर एक जो आयोजन किया गया था, उसकी अगर हम भव्यता अगर हम आपको दिखाएं तो आप अगर इधर की ओर उसकी भव्यता अगर आप देखेंगे तो एक अलग अलग जगह पर इस तरीके से तमाम जो है वो अग्नि के फेरे बनाए गए थे, वेदी बनाए गए थे, उसमें उन तमाम जोड़ों को यहाँ पर बैठाया गया था, और उनके साथ मंच से जो ब्राह्मण है वो जो चार पांच ब्राह्मण जो हैं वो सारे लोग जो है वो मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन एक एक दो दो ब्राह्मण भी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे जो लोग यहाँ पर उनके साथ बैठ करके उनका विवाह करा रहे थे, और उनके साथ जो है वो सारी रस्में जो होती हैं, जो विवाह की जो पद्धति होती है, भारतीय विवाह की जो पद्धति होती है, उन सारी रस्में जो है यहाँ पर अदायगी हो रही थी। उसमें आप जो है वो फेरे लेना, सिंदूरदान लेना, सप्तपदी से लेकर के हर एक रस्म यहाँ मनाया गया, उनके तमाम परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे, और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में ये यहाँ पर हुआ। पूरे गढ़ौली धाम में अलग अलग जगह जगह पंडाल बना है, और यहाँ से निकलने के बाद जो है वो जोड़े जो हैं वो बालेश्वर महादेव गए, जहाँ पर कि जो बालेश्वर महादेव उनका उन्होंने आशीर्वाद लिया। बालेश्वर महादेव के आशीर्वाद लेने के साथ ही उन लोगों ने जो है वो यहाँ पर जो है अपने मंगल कामना की है, और सिर्फ यहाँ पर जो है कोई जाति बंधन नहीं था, हर वर्ग हर जात धर्म के लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ इस मंडप में यहाँ पर थे, और यही वजह है कि इस मंडप में बहुत से जहाँ पर एक तरफ वैदिक ऋचाएँ के जरिए जो है वो पाठ हो रहा था, तो वहीं निकाह भी पढ़ी जा रही थी, और निकाह के साथ जो है वो सारे कार्य जो है वो किए जा रहे थे, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ निकाह भी किया गया, मुस्लिमों की भी शादी हुई है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक एक, एक जो सामंजस्य था, एक जो समरसता की बात थी, एक जो गंगा जमुनी तहजीब की बात थी, वो यहाँ पर पूरा दिखाई पड़ा यहाँ पर है।
और इसके बाद अब जो है ये करने के बाद ये लोग जो हैं यहाँ से निकल करके जाएंगे तो आगे के अपने जीवन के लिए मंगल कामना को लेकर के जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि ये जो एक है उनकी कुछ गारंटी भी होगी, कुछ कार्ड वगैरह दिया गया, सरकारी जो लाभ है उससे भी, चूँकि श्रम विभाग के जरिए किया गया था तो उन्हें सरकारी लाभ भी दिया जाएगा। तो एक बड़ा आयोजन था इस गढ़ौली धाम में, जहाँ पर कि बालेश्वर महादेव था और इनकी अपनी परिकल्पना है गौ गंगा गौरी शंकर। तो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर 1008 वर वधु जो हैं एक सूत्र में बंधे हैं और तकरीबन 40,000 लोग इसके साक्षी बने हैं। गढ़ौली धाम से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।